तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 7 जुलाई 2023 की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। काफी सारे लोग ये कह रहे थे कि वीडियो की टाइमिंग काफी ज्यादा लेट हो गई है, तो अब जल्दी इसमें सुधार आएगा। कल यानी कि शनिवार से आपको हमारा मुख्य समाचार सुबह 4 से 6 बजे तक मिल जाया करेगा। तो आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, गेहूं और दाल की कीमतों को लेकर सरकार ने उठाया बड़ा कदम। जी हां, गेहूं और दाल विक्रेताओं पे नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है। आटा और दाल की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने गेहूं और दाल बेचने वाले व्यापारियों को स्टॉक के बारे में बताना अनिवार्य कर दिया है। आसान शब्दों में कहें तो ये व्यापारियों को बताना होगा कि उनके पास दाल या आटा का कितना स्टॉक है। यहाँ पर बड़े व्यापारी की बात हो रही है। बताया गया सभी व्यापारियों को हर शुक्रवार को गेहूं और दाल का पर्याप्त भंडार किसी भी तरह से बताना ही होगा। दिल्ली, यूपी, बिहार और एमपी समेत सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ये नया नियम लागू कर दिया गया है। बताया गया पिछले कई महीनों से देश में आटा, चावल और दाल की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में अरहर की दाल 160 रुपए को पार कर गई है। वहीं यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र में भी आटा और दाल की कीमतों का यही हाल है, यानी कि इनके दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में ये भी बताया गया है कि सरकार के नए फैसले से जल्दी गेहूं और दाल के दाम काबू में आएंगे। कहा तो यहां तक जा रहा है कि गेहूं और दाल की कीमतों में गिरावट भी होगी। हालांकि दोस्तों रिपोर्ट का कहा हुआ हमेशा सच नहीं हो पाता है। आप हमारे मुख्य समाचार देखते होंगे तो शायद आपको पता होगा कि कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि पेट्रोल का दाम इतना घट जाएगा, डीजल का दाम इतना घट जाएगा, किसी चीज पे जीएसटी कम हो जाएगा। हालांकि हर बार जो वादा किया गया है वो सही साबित नहीं हो पाता है, पर कभी कभी सच हो भी जाता है। देखिए अगली खबर, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर होगी, फिर 23 या 24 अगस्त को चांद की सतह पे हो सकती है इसकी लैंडिंग। जी हां, भारत 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से स्पेसशिप चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। भारतीय स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो ने ये जानकारी खुद दी है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया है कि चंद्रयान 3 23 से 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर यानी कि जो चंद्रमा की जमीन है उस पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा, यानी कि सही से उतरने की कोशिश करेगा। वहीं हम आपको कई बार बता चुके हैं कि अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल हो जाता है, यानी कि उतरते समय वो टूटता उड़ता नहीं है, तो भारत ऐसा करने वाला इस दुनिया में चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, चीन और रूस ही ऐसा कर पाए हैं जिनके स्पेसक्राफ्ट चांद पर उतरने में कामयाब हुए हैं। तो आने वाले 23 से 24 अगस्त को भारत को एक बड़ी कामयाबी मिल सकती है। हालांकि पिछली बार हम नाकाम हो गए थे। देखिए अगली खबर, नोकिया से 5G डिवाइस खरीदेगी रिलायंस जियो, 14,000 करोड़ रुपए की हुई है डील। बताया गया इसके जरिए 10 गुना तेजी से चलेगा हाई स्पीड इंटरनेट। जी हां, रिलायंस जियो भारत में हाई स्पीड 5G नेटवर्क शुरू करने के लिए नोकिया से हाथ मिलाने जा रहा है। दोनों कंपनियां जल्द ही एग्रीमेंट पे साइन कर सकती हैं। बताया गया ये डील करीब $1.7 अरब जो कि इंडियन रुपए में 14,000 करोड़ रुपए बनते हैं। वहीं बताया गया अगर आने वाले दिनों में ये डील पूरी होती है तो आने वाले कुछ सालों में देश में लोगों को 5G इंटरनेट की 10 गुना हाई स्पीड का फायदा मिलेगा। देखिए अगली खबर, वंदे भारत ट्रेनों का किराया 30% तक घट सकता है, कम दूरी वाले रूट पे यात्री हैं कम। इंदौर भोपाल और भोपाल जबलपुर रूट पर ट्रेन में केवल 29% यात्री रहते हैं। जी हां, वंदे भारत ट्रेन में यात्रा करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे कम दूरी और कम यात्री वाली कुछ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया घटाने पे विचार कर रहा है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 25% से लेकर 30% तक किराया कम हो सकता है। देखिए अगली खबर, समान नागरिक संहिता कानून पे सरकार ने रिजिजू के नेतृत्व में बनाया मंत्री समूह, सबसे पहले ये उत्तराखंड में लागू होगा। जी हां, देश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी कानून की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए मंत्री समूह यानी कि GOM का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू को सौंपी गई है। वहीं इसी बीच ये भी बताया गया यूसीसी कानून पर जस्टिस रंजना देसाई कमेटी का मसौदा तैयार हो गया है। जानकारी के मुताबिक ये अनुमान जताया जा रहा है और संकेत मिल रहे हैं कि सबसे पहले यूसीसी कानून उत्तराखंड में लागू होगा, इसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश और फिर ये आगे चलेगा। इसी कानून को लेकर देखिए एक और खबर, जमीयत भी है यूसीसी कानून के खिलाफ, मौलाना मदनी बोले इस पर बहस राजनीतिक साजिश है। वहीं नोबेल पुरस्कार विजेता ने पूछा यूसीसी से किसे फायदा मिलेगा। जी हां, मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के बाद देश की एक और प्रमुख मुस्लिम संस्था जमीयत उलमा हिंद भी यूसीसी के विरोध में आ गई है। लॉ कमीशन को दिए अपने सुझाव में जमीयत ने कहा है कि वो समान नागरिक संहिता के खिलाफ है क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है जिसे संविधान के तहत गारंटी दी गई है। अभी हाल ही में बीते गुरुवार को जमीयत ने 22वें विधि आयोग को भेजी गई आपत्तियों का सारांश शेयर किया, जिसमें जमीयत अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि यूसीसी पे बहस शुरू करना एक राजनीतिक साजिश है। वहीं इसी बीच नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा है कि यूसीसी से किसका फायदा होगा, सरकार जिस तरह देश चलाना चाहती है वो गलत है। देखिए अगली खबर, 450 किलोमीटर प्रति घंटा की है रफ्तार, अगर भारत में चल गई ये ट्रेन तो सिर्फ 3 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंच सकेंगे। जी हां, भारत में अगर हाई स्पीड ट्रेनों की बात होती है तो आपकी जुबा पर वंदे भारत ट्रेन, राजधानी एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस या फिर शताब्दी एक्सप्रेस का नाम आता होगा। भारत में चलने वाली हाई स्पीड ट्रेनों की रफ्तार सबसे ज्यादा 123 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के अलग अलग देशों में ऐसी भी ट्रेनें हैं जो जब पटरी पे दौड़ती हैं तो उनको देख पाना भी मुश्किल होता है। ताज़ा खबर यह है कि अभी हाल ही में चीन की रेलवे ने CR 450 हाई स्पीड
ट्रेन का परीक्षण किया है। इस ट्रेन की रफ्तार 400 किलोमीटर प्रति घंटे से लेके 450 किलोमीटर प्रति घंटा है। आसान शब्दों में कहें तो ये ट्रेन केवल एक घंटे में 450 किलोमीटर तक का सफर कर सकती है। आपको बता दें, ये कोई बुलेट ट्रेन नहीं है बल्कि ये एक दूसरी ट्रेन है। इसी की वजह से कहा जा रहा है कि अगर ये ट्रेन अपने देश में चल जाती है या इसकी तकनीक अपने देश में आ जाती है तो आप दिल्ली से मुंबई केवल 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। वहीं दिल्ली से बिहार पहुंचने में आपको लगभग 1 से 1.25 घंटा लगेगा। देखिए अगली खबर, 12 राज्यों में लगातार 5 दिन के लिए जारी हुआ भारी बारिश का अलर्ट। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, मौसम विभाग ने गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, उड़ीसा समेत 12 राज्यों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भी देश के बाकी हिस्सों में बारिश होगी, लेकिन वहां पे भारी बारिश नहीं बल्कि सामान्य या फिर हल्की बारिश होगी। जिन 12 राज्यों में लगातार 5 दिन तक भारी बारिश होने का अनुमान है, उनमें शामिल है बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, उड़ीसा, बिहार के क्षेत्र, वहीं गुजरात, उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ इलाके। इन सभी जगहों पे लगातार 5 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब दोस्तों, ये तो मौसम का अपडेट था आने वाले 5 दिन को लेकर, लेकिन आज खास 7 जुलाई 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए आपको इसके बारे में भी बताते हैं झटपट से। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, केरल, कोंकण, गोवा और गुजरात में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों में, अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड में, विदर्भ में, मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। हालांकि इन राज्यों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है आज। वहीं उत्तर पूर्व भारत, गंगी पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आज भी लगभग देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी। देखें अगली खबर, घर में भर गए हैं बरसाती कीड़े मकौड़े तो इसका बड़ा आसान सा है उपाय। जी हां, एनबीटी की ओर से ये जानकारी साझा की गई है और बताया गया है कि कॉकरोच को भगाने के लिए हल्दी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए थोड़े से गर्म पानी में 2 चम्मच हल्दी डालें, 1 कप नीम का तेल और 5 चम्मच नींबू के रस और इसे अच्छी तरह से मिला लें। फिर इसे किसी ऐसी बोतल में डालें जिससे स्प्रे किया जा सके। आप जहां जहां पे स्प्रे कर देंगे तो वहां पे कॉकरोच आना बंद हो जाएंगे। इस जानकारी के मुताबिक वहीं बताया गया, हल्दी चींटियों को भी भगाने का काम कर सकती है। बताया गया, चींटियों को भगाने के लिए बराबर मात्रा में नमक में हल्दी मिलाकर चींटियों के ठिकाने पे छोड़ दें, यानी कि जितना नमक हो उतनी हल्दी हो। वहीं बताया गया, जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भगाने के लिए आपको लौंग के पाउडर को पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं या फिर कपूर को जलाकर रख सकते हैं। माना जाता है इसकी तेज गंध से कीड़े इसके पास नहीं आ पाते हैं और तुरंत मरने लगते हैं। वहीं बताया गया, घर को बरसात के दिनों में पेस्ट और इंसेक्ट्स फ्री रखना है तो जरूरी है कि साफ सफाई काफी ज्यादा हो। बताया गया, ऐसे में रोज डस्टबिन को खाली करने से लेकर झाड़ू पोछा लगाना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही बताया गया, बरसाती कीड़े मकोड़े को भगाने के लिए जो पोछे वाला पानी है उसमें हल्का सा सिरका डाला जा सकता है, इससे कीड़े मकोड़े भाग सकते हैं। ये जो जानकारी बताई गई है इसके मुताबिक अब ये कितना काम करता है नहीं करता है इसका तो पता नहीं है, बाकी आप ट्राई करके देख सकते हैं क्योंकि इनमें कोई भी ऐसी खतरे वाली बात नहीं बताई गई है, सारे घरेलू उपाय हैं। देखिए अगली खबर, ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पे लग सकता है 28% जीएसटी। गोवा ने दिया है ये सुझाव। जी हां, ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28% जीएसटी देना पड़ सकता है। जीएसटी परिषद के मंत्रियों का समूह इन पर 28% जीएसटी लगाने पे सहमत हो गया है। हालांकि ऑनलाइन गेमिंग पे कर की दर को गोवा ने गलत माना है और वो इससे असहमत है। गोवा राज्य ने इस पर 28% की बजाय 18% जीएसटी लगाने का सुझाव दिया है। आसान शब्दों में कहें तो ऑनलाइन गेमिंग से जो भी पैसे कमाए जाएंगे या इसमें जो पैसे लगाए जाएंगे उन पर 28% का जीएसटी लग सकता है। हालांकि गोवा ने कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28 नहीं बल्कि 18% का जीएसटी लगाया जाए, ऐसा उनका सुझाव है। अब ये सुझाव माना जाता है या नहीं ये तो जीएसटी का समूह ही तय करेगा, पर ये जरूर है कि आने वाले दिनों में इन सभी चीजों पर, यानी कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28% का जीएसटी देना पड़ेगा। देखिए अगली खबर, पाकिस्तान में आज सुबह सुबह कांपी धरती, भूकंप के तेज झटके से खुली नींद, चारों तरफ मचा हाहाकार। जी हां, पाकिस्तान में आज शुक्रवार सुबह धरती में कंपन महसूस किया गया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया है कि पाकिस्तान में आज सुबह लगभग 5:11 पर 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र धरती से 170 किलोमीटर की गहराई में था। फिलहाल तक तो ये बताया गया है कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। देखिए पाकिस्तान को लेकर एक और खबर, पाकिस्तान छोड़ भारत आई महिला का पति आया सामने, उसने कहा वो सीमा से अभी भी प्यार करता है, तलाक नहीं दूंगा। जी हां, पाकिस्तान की एक महिला पबजी खेलते खेलते भारत के एक युवक को दिल दे बैठी और भारत आ गई। इस रोचक लव स्टोरी के बीच वो फिलहाल जेल में बंद है, क्योंकि हम जानते हैं पाकिस्तान दूसरा देश है और हम ये भी जानते हैं कि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो कैसे हैं। इसी की वजह से जो जांच एजेंसियां हैं इस वाली केस की जांच जासूसी एंगल से भी कर रही है। अब इसी बीच उसका पति, यानी कि जो सीमा नाम की महिला पाकिस्तान से आई है, उसके पति की बात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक उसके पति ने कहा है कि उसने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया है और वो उससे अभी भी प्यार करता है। आपको बता दें, उसका पति सऊदी अरब में काम करता है और वो बीते 3 साल से सऊदी अरब में ही रह रहा है। इसी 3 साल के बीच सीमा नाम की महिला ने पबजी खेलना शुरू किया और भारत के एक युवक से उसकी दोस्ती हो गई, फिर बाद में प्यार भी हो गया। उसके 4 बच्चे हैं, वो चारों बच्चों को लेकर इंडिया आ गई है। बाकी इस कहानी के बारे में आप और बातें जानते ही होंगे। देखिए अगली खबर, आरबीआई ने कैंसिल किए 2 कोऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंस, कहीं आपका तो अकाउंट नहीं था इनमें, आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लेते हुए देश के 2 राज्यों में 2 कोऑपरेटिव बैंकों को बंद करने का आदेश दिया है। केंद्रीय बैंक ने बुधवार को ये जानकारी देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र और
कर्नाटक में संचालित हो रहे दो कोऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, यानी कि अब ये बैंक बंद हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक RBI ने जिन दो बैंकों का लाइसेंस रद्द किया है उनमें शामिल है मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और एक दूसरा बैंक है जो बेंगलुरु में स्थित है, उसका नाम है सुश्रुति सौहार सहकार बैंक। देखिए अगली खबर, सालार मूवी का टीजर हुआ रिलीज, एक्शन अवतार में दिखे प्रभास, फैंस बोले सुपरस्टार प्रभास इज बैक। जी, आदि पुरुष मूवी के बुरी तरह बॉक्स ऑफिस पे पिट जाने के बाद प्रभास को अपनी आने वाली फिल्म से उम्मीद है। इसी बीच अभी हाल ही में बीते गुरुवार को मेकर्स ने फिल्म का टीजर यानी कि जो सालार मूवी है उसका टीजर रिलीज कर दिया है। टीजर में हाई वोल्टेज एक्शन और जबरदस्त स्टंट देखने को मिल रहा है प्रभास द्वारा, इसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। देखिए अगली खबर, प्रियंका चोपड़ा के सिटाडेल की खराब परफॉर्मेंस पे भड़के अमेजन के CEO, शो के प्रोडक्शन पे अमेजन ने 2000 करोड़ रुपए खर्च किया था। जी, अमेजन ने प्रियंका चोपड़ा की स्पाई थ्रिलर वेब सीरीज सिटाडेल के प्रोडक्शन पर 2000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन सीरीज को ऑडियंस से खासा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया है। प्रोडक्शन में जबरदस्त खर्च के बावजूद अमेरिका में इसकी रेटिंग टॉप 10 में भी नहीं आ पाई। इसी बीच बताया जा रहा है कि जो अमेजन के CEO हैं जेफ बेजोस, वो प्रियंका चोपड़ा की खराब परफॉर्मेंस पे भड़के हैं। जाहिर बात है उनकी ओर से 2000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन जो वेब सीरीज है प्रियंका चोपड़ा की वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। देखिए अगली खबर, सरकारी कर्मचारियों की हुई मौज, इन दो राज्यों में बढ़ गया है DA, आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल चुनावी साल में छत्तीसगढ़ और राजस्थान की राज्य सरकारों ने अभी हाल ही में बीते गुरुवार को अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी कि DA में बढ़ोतरी की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए ये बढ़ोतरी 5वें वेतन आयोग के तहत की गई है। इसी की वजह से अब राजस्थान में DA 396% से बढ़कर 412% हो गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।